बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो, आ चुकी है मम्मा की परी अरफा। अरफा अरफा इधर देखो प्लीज़। अरफा अरफा शर्मा गई, अरफा शर्मा गई। आप तो बस ये प्यारी सी छोटी सी अरफा, ओए रुस्तम, और ये है अजमेर का खूबसूरत घर, हवेली। अजमेर की खूबसूरत हवेली जहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं। तो थोड़ा सा किचन दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना खूबसूरत, कितना क्लीन और कितना अच्छे से जमाया है, कितनी अच्छे से यानी साफ सुथरा किचन, कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी फ्रेंड है जो इतना खूबसूरत किचन रखते हैं, और मैं यहाँ नाश्ते का बोलने के लिए मेरी फ्रेंड को आई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ, वीडियो शूट भी कर ली, और आप लोगों को भी जहाँ पे अजमेर में मैं रुकी हूँ वो दिखा रही हूँ। आप लोगों को मैं फाइनली लेके चलूँगी 2.5 दिन का झुपड़ा, जो 800 साल पुरानी इमारत है। तो आज तो हम वही देखने जाएंगे, लेकिन अजमेर की हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी होती है। जैसे कि ये हवेली जहाँ पे हम रुके हैं वो भी इतनी खूबसूरत है, यानी कलर उखड़ चुका है लेकिन क्लीन घर इतना चुखा, इतना क्लीन है कि मैं उसकी कुछ बयान नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। तो इंशाल्लाह बस मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मेरा रूम दिखाना चाहती थी, तो बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हमारा रूम दिखा दिया है। तो उसके बाद में चाय नाश्ता करते हैं और फिर लेके चलूँगी आप लोगों को अजमेर की 800 साल पुरानी इमारत, 2.5 दिन का झुपड़ा। और आप में से किस किसने 2.5 दिन का झुपड़ा देखा है प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर से बताना, और किसने नहीं देखा वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस यहाँ पे से मैं करती हूँ बाय बाय टाटा, और कर लेती हूँ पहले नाश्ता। तो यहाँ बाजू पे मेरी फ्रेंड ने पराठे और चाय और अंडा का नाश्ता बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं और मेरा बेटा दोनों हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी 2.5 दिन के झुपड़ा, जो 800 साल पुरानी इमारत है। तो उसके पहले यहाँ बाजू पे हम जा रहे थे कहाँ पे, तो अस्सलाम वालेकुम, आपकी प्यारी होस्ट कहाँ जा रही थी, और बड़े 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 शहरों में हमेशा पोपट हो जाया करते हैं, छोटे छोटे कांड हो जाया करते। तो बस यहाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं कहाँ जाने की हूँ और मैं आपको लेके कहाँ जाऊँगी, तो ये वीडियो में सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। हो गया, सलाम तो करो पहले। आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे कहाँ बाजू पे, सेवन वंडर्स। सेवन वंडर, तो उससे पहले हम लोग और यहाँ बाजू पे पापड़ी, नाश्ता सब बहुत अच्छा अच्छा लेता है, केले की वेफर ये सब यहाँ लोगों को दिखाई दी है। सब नाश्ता हो गया कंप्लीट, और अब चलते हैं सेवन वंडर। तो आ जाइए हम सब सेवन वंडर जाने के लिए। सही, तो सुना आपने, पोपट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो फाइनली फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया, इसलिए फाइनली लेके आ चुकी हूँ 2.5 दिन के झुपड़े में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती आप देखेंगे, और ये वीडियो क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त आई है कि आप वीडियो आज बिल्कुल भी स्किप करे बिना अपने आप ही नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ का सन्नाटे वाला माहौल और इतना खूबसूरत जगह, इतनी मन में शांति लग रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो यह है अजमेर के राजस्थान में 800 साल पुरानी इमारत, 2.5 दिन का झुपड़ा। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी सी, कितनी खूबसूरत जगह है, और ये आपकी प्यारी होस्ट अनीसा पठान। तो बस अभी तो पहले यहाँ मस्जिद थी, मैं वजू करके आई थी, मैंने सोचा था कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अभी पढ़ती हूँ, अभी पढ़ती हूँ, मैं अभी पढ़ती हूँ, हो जाता है। तो बस ये 2.5 दिन का झुपड़ा है, आ चुके हैं, और अभी तो यहाँ बाजू पे बस सब जो आता है वो फ़ोटोशूट 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 कराया करता है। तो अभी ये बिल्कुल फ़ोटोशूट की जगह बन चुकी है, तो अभी यहाँ बाजू पे बच्चे भी फ़ोटोशूट करा रहे, हर एक कोई फ़ोटोशूट कराने में लगा पड़ा है। तो चलो, मैंने सोचा फिर मैंने भी कौन सा गुनाह किया है, मैं भी थोड़ा फ़ोटोशूट करा ही लेती हूँ लग गया। तो बस यहाँ बाजू पे मैंने भी कैमरा उठा लिया और फ़ोटोशूट करने लगी,
और ड्राइडिंग के झुपड़े में आप लोग बने रहिए, वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगने वाली है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करा करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और बिना सब्सक्राइब करे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज थोड़ी सर्दी हो गई है, उसके वजह से आवाज़ थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे आवाज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ये ढाई दिन के झुपड़े में जो सीन सीनेरी है जबरदस्त, और मैं यहाँ पूरी तरह से थक चुकी हूँ तो पाँव भी साथ नहीं दे रहे हैं। बस अभी यहाँ बाजू पे फिर भी फ़ोटोशूट करने में मैं पीछे नहीं हटूँगी, जितना भी हो सके इतने फ़ोटोशूट कर लेने के, भले फिर आप कैसे भी लगो, क्यों अबाय हमें भी थोड़ा सा बस नादान दिल मानता नहीं है। तो बस यहाँ बाजू पे फ़ोटोशूट करा रहे, सभी करा रहे, तो मैंने सोचा चलो हम भी करा लेते हैं। वीडियो में बने रहिए, कुछ ही देर में मिलती हूँ आपसे। सामने जो दिख रही है 800 साल पुरानी इमारत, ढाई दिन का चुपड़ा है, और यहाँ इतने ज़्यादा फोटोग्राफर है ने कि इंसान को चैन से बैठने ही नहीं देते। जहाँ बैठते ने तो ये लोग आ जाते हैं ने फोटो 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 करा करते, फिर वही नादान दिल मानता ही नहीं है। तो बस यहाँ बाजू पे आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये खूबसूरत ढाई दिन का झुपड़ा जहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति और इतना सुकून लग रहा था ना, बैठे थे ने तो ऐसा लगता था बस चुप मार के बैठे रहे हुए, और इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी ने, ये दूर से जो पहाड़ दिख रहे हैं ने, सुभान अल्लाह बोले बिना मैं रह ही नहीं सकती, और ये इमारत भी इतनी अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ बाजू पे आप लोगों ने देख सकते हो कि किस तरह से ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का है, अच्छा लगता है छोटी छोटी यहाँ बाजू पे, लेकिन यहाँ सब में ताले मारे हुए हैं, बस सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं और लोग चले आते हैं। तो इस तरह से है कुछ ढाई दिन का झुपड़ा। तो बस हमने यहाँ ढाई दिन का झुपड़ा देख लिया है, और हजू जब मैं एंट्री हुई थी तब मैंने बहुत लेट हो चुकी थी, इस वजह से वीडियो शूट नहीं करी थी, लेकिन जब अब मैं नीचे जा रही हूँ यानी ढाई दिन के झुपड़े से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने का होता है और फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाने का होता है, तो बस अब मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे अजमेर की दरगाह है जहाँ पे ख्वाजा गरीबन नवाज साहब की दरगाह है, वहीं पे आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो कुछ इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो। तो बस हम दरगाह के पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है मेरे ख्वाजा का दरबार, ख्वाजा गरीबन नवाज का मज़ार यहाँ पे। तो कितनी ज़्यादा गिरदी, कितना ज़्यादा रस है देख सकते हो आप लोग। और यहीं पे ये कौन सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी भूख लग गई थी तो सोचा चलो कुछ खाना भी खा लेते हैं, और मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी थी इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो सॉरी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। आज की मेरी वीडियो आप यहीं तक थी, आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो क्लिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में नए अंदाज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद।